हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड विद सौमिक में। दोस्तों, लास्ट के वीडियोस में हमने सीखा था बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। जी हां दोस्तों, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले हमें सबसे पहले एक टेबल देखना होगा। आइए देखते हैं वो टेबल कौन सा है। इस टेबल में अगर आपको 0 मल्टीप्लाई बाई 0 दिख रहा है, इसका मतलब उसका रिजल्ट भी 0 होगा, सेम एज डेसिमल वैल्यू। डेसिमल में भी आप ऐसा ही करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये टेबल आपको ध्यान रखना होगा। इस टेबल के बाद आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 101 base 2 मल्टीप्लाई 11 base 2। इन दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करके लिखना होगा। इसके बाद आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा राइट साइड से, सेम एज मल्टीप्लिकेशन जैसा आप लोग डेली लाइफ में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 into 1, 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1। इसलिए रिजल्ट भी यहाँ पे क्या हो गया, 1। जब आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये देखिए क्या आ रहा है दोस्तों, 0। इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 0। लास्ट 1 into 1 अगेन दोस्तों 1, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्रॉस साइन लगाना होगा, सेम जैसा कि आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन में आप लगाते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट इस 1 से बाकी तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को 0 से करेंगे तो 0 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। इस तरह ये नंबर आ गया। लास्ट में आपको एडिशन करना पड़ेगा। ये देखिए एडिशन का साइन है, तो आपको यहाँ पे एडिशन करना होगा। इन नंबरों के साथ आपको एडिशन करना होगा। तो एडिशन करने के लिए आपको बाइनरी एडिशन पता होना चाहिए। अगर आपको बाइनरी एडिशन नहीं पता तो आपको बाइनरी एडिशन का जो मेरा वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देख लें और बाइनरी एडिशन को सीख के वापस आएं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 0 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1। 1 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 और लास्ट में 1, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है इसलिए रिजल्ट आ जाएगा 1। तो दोस्तों हमारा वैल्यू क्या आ गया, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया 1 1 1 1 और ये है बेस 2 लिखना ना भूलिए दोस्तों। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल के साथ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। इस बार ये दूसरा नंबर है, ठीक है दोस्तों। नंबर है 1 1 1 1 base 2 मल्टीप्लाई बाई 101 base 2। दोस्तों ये नंबर है, इस नंबर को हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए नंबर्स को कुछ पहले इस तरह लिख लेंगे और नंबर्स को लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस 1 को लेंगे और सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 1 into 1 1 into 1। आप देख रहे हैं कि 1 के साथ मल्टीप्लाई अगर 1 करेंगे तो नंबर क्या होगा दोस्तों, 1 आएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या जा रहा है, 1 1 1 1, ये रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाना है, क्या लगाना है, क्रॉस का साइन, और उसके बाद इस 0 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों हम जानते हैं कि 0 के साथ अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। उसके बाद इस 1 के साथ हम सारे नंबर्स को क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। सेम जैसे डेसिमल में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा दोस्तों। लास्ट में दोस्तों ट्रिक है कि यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो यहाँ 1 के नीचे तो देखिए कोई नंबर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 और 0 को जब हम ऐड करेंगे, आपको बाइनरी एडिशन का वीडियो याद होगा, 1 और 0 को ऐड करने पर वैल्यू होती है 1। यहाँ पे हम लिख देंगे 1। नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीन वैल्यू है, 1, 0 और 1। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तब तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, 1 और 0 को ऐड करने पर आंसर क्या जाएगा, 1। और जो 1 आया है उसको जब हम 1 से ऐड करेंगे तब क्या दोस्तों वैल्यू आ जाएगी, 1 और 1 आती है 0। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। तो 1 0 लिख दिया तो 1 कहाँ चला गया, कैरी। तो ये हो गया आपका कैरी, क्या हो गया दोस्तों, कैरी। ध्यान दीजिएगा ये दोस्तों क्या हो गया, कैरी, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करिए, 1 और 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1, यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। फिर इस 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 10 आएगा, 10 मतलब 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। तो मान लीजिए कि आ गया 1 और 0 आ गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये भी 0 है ना, सॉरी ये भी 1 है। तो इस 1 को इस 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 और 0 कितना आएगा, 1 और 0 आएगा 1। और ये 1 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, एक 1 बचा हुआ था ना, ये दोस्तों चला कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, कैरी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया, कैरी। अगेन हमको सॉल्व करना है, देखिए 0 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मतलब 0। और दोबारा क्या चला जाएगा, कैरी आ जाएगा। अब 1 और 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 10, ये आ गया हमारा 10, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आगे ले जाइए और फिर से इस वीडियो को वापस देखिए, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, आप इस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के वीडियो से आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ज़रूर सीख जाएंगे। आपके सहूलियत के लिए मैं आपको 2-3 नंबर्स भी देता हूँ, इसको आप ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। नंबर है 101 मल्टीप्लाई बाई 10। इस नंबर को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई करिए, 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। दोस्तों ये नंबर भी ट्राई करिए, 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। ये दो क्वेश्चन जो है आप इसको सॉल्व करिए अपने कॉपी में और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर लिखिए, ठीक है दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, अलविदा। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए A to Z with Somic। Thank you so much.